अब इस वीना को भी इस घर से 9-2-11 करना है। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैं अच्छी बनने का नाटक कर रही हूँ उसके साथ, दोस्त बनी हुई हूँ ना, बहुत जल्द इसका भी इंतजाम करूँगी। मुझसे अब इतनी अदाकारी नहीं होती, थक गई हूँ अदाकारी। अरे भाई, इतना डरने की क्या जरूरत है? खाला जब दिया को मांगेंगी ना, तो तुम साफ मना कर देना कि मैं नहीं दे रही। लेकिन स्वीटी, वो मुझे डांटेंगी। अरे तो तुम भी डांट देना, आखिर माँ हो इसकी। हाँ ठीक है, मैं भी उनको डांट दूंगी। अच्छा बात सुनो, अभी खाला के ना सोने का टाइम हो गया है, तो वो इसको लेने के लिए आ ही रही होंगी, तुम साफ मना कर देना। हाँ। वो सारा ला दिया को दे दे, इसके सोने का टाइम हो रहा है। क्या हो गया खाला, नजर नहीं आ रहा, सो तो रही है? तू चुप कर जा, मैं तुझसे बात नहीं कर रही। ला दे दिया को, उसे सुला दूं मैं। नहीं दे रही। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा, हैं? दे इधर। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नहीं दे रही। बड़ी जबान चल रही है तेरी। हाँ बड़ी जबान चल रही तुम्हारी। अच्छा तो ये तेरी पढ़ाई भी पट्टी है? नहीं 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 खाला, कसम से मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, पूछ लो। देख लूंगी तुम दोनों, देख लूंगी। अच्छा जब भी खाला आए ना और मांगे दिया को, हमेशा ऐसे ही कहना, देखा जैसे दुम दबा के बांटे। हाँ ठीक है स्वीटी, थैंक यू दिया। अरे भाई मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गई, कम्बख्त स्वीटी कहाँ है? आप पता नहीं, शायद नीचे होगी। नीचे? नीचे क्या करने गई है वो? ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा अब समझी मैं, किचन में होगी, अच्छी अच्छी चीजें ढूंढ के खा रही होगी ताकि मैं ना खा सकूं, बड़ी कम्बख्त तुम्हारी। नहीं नहीं आज तो उसने रोजा रखा है। वाह भाई वाह, आज स्वीटी ने रोजा रख लिया। आप वैसे आप रोजा क्यों नहीं रखते? क्या बताऊं बेटा, मेरा तो बड़ा दिल चाहता है रोजा रखने का, मगर इन बीमारियों ने ऐसा घेर लिया है मुझे कि मैं रोजा ही नहीं रख सका। आई विश अल्लाह आपको जल्दी ठीक करे। आमीन। शुक्रिया, मेरी बच्ची तो कितनी अच्छी है, मुझे दुआओं में याद रख रही है, बाकी तो कोई दुआ ही नहीं करता मेरे लिए। आप वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछ। आप स्वीटी की शादी कब करेंगी? ये तुझसे स्वीटी ने कहा है पूछने के लिए? नहीं नहीं वो हर टाइम बोलती रहती है ना कि उसकी शादी कब होगी, उसकी शादी कब होगी, इसलिए सिर्फ पूछ रही हूँ। बस बेटा दुआ कर अल्लाह से मेरी बच्ची के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए, मेरी बच्ची की अच्छी जगह शादी हो जाए, उसे मेरे जैसा शौहर ना मिले जो मुझे छोड़ के चला गया। अल्लाह पाक मेरी बच्ची का नसीब अच्छा करे, बल्कि सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। अब सैड ना, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगी कि स्वीटी की अच्छी जगह शादी हो और वो खुश रहे। आमीन। खुश रहे, अल्लाह पाक तुझे भी हमेशा खुश रखे और आपा के अताब से बचा के रखे। कुछ रखा हुआ है खाने को, भूख लग रही है मुझे तो, क्या करूं क्या देखूं, समझ नहीं आ रही मुझे कुछ। फ्रिज में क्या है? फ्रिज में भी कुछ भी खाने को नहीं रखा हुआ है। एक तो चलो दूध पी लेती हूँ। हाय हाय क्या लग रही कमबख्त। शुक्र है, तौबा तौबा, आंखें भी निकल गई मेरी, सुबह से कुछ नहीं खाया पिया। हर चीज मजबूती से बंद की हुई है, खुल भी नहीं रही। कैसे खोलूं छुरी है? खुल गया।
बहुत ही कोई बेशरम औरत है तू। शर्म नहीं आती तुझे? रमजान में छुप छुप कर दूध पी रही है और ये बेगैरत रोजा ही रख लेती। ठीक है आपा, कल से मैं रोजा रख लूंगी, लेकिन शुगर लोने की वजह से अगर मुझे कुछ हुआ, मैं मर गई, तो मेरी स्वीटी की जिम्मेदारी ना तुम्हारे सर पर होगी, और अपने सलमान के साथ ना तुम उसकी शादी कराना दूसरी, समझ गई? बस मेरे बेटे के पीछे लगी रहती है। अरे सलमान में जान अटकी हुई है तेरी, तभी तो उसकी शादी गलत जगह हो गई। गलत जगह शादी हो नहीं गई, शादी कर कर ले आया, तुम्हें तो उसने मुंह भी नहीं लगाया, पूछा तक नहीं तुमसे, और जिन्नातनी ब्याह कर घर में ले आया। अरे वो जिन्नातनी जो है ना, वो तेरी स्वीटी से लाख दर्जे बेहतर है। अगर मैं सलमान की शादी स्वीटी से कर देती तो मेरी जान अजाब में कर देती तुम दोनों माँ बेटियाँ, मेरे सीने पे मूंग डलती तुम दोनों। अच्छा जाओ भाई जाओ यहाँ से, तुम अजाब करके रखती है, अभी तो खाने पीने दो, भूख लग रही है इतनी जोर से। अल्लाह मियाँ मुझे माफ कर देना, मैं कल से रोजा रखूंगी, अभी तो पी। सारा मूड खराब कर दिया मेरा, और भर के रख लूं ताकि दोबारा ना जाए। यहाँ कर रही हो बिना? कुछ नहीं, बस कैलकुलेट कर रही थी। क्या देख रही हूँ कि हमारी मेहनत का सिला एमन को कितना मिल रहा है। क्या मतलब? यही कि कितने करोड़ उसके हाथ आ रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है। तुम्हारी नीयत तो खराब नहीं हो रही? नहीं, मेरी नीयत खराब नहीं हो रही, मैं तो बस चेक कर रही हूँ कि उसे क्या हासिल हो रहा है और हमें क्या। जाहिर है ये सब कुछ उसी का ही है, हमें तो सिर्फ हमारे काम की कीमत मिलेगी ना। हाँ ठीक कह रही हैं आप। अच्छा अम्मी मैं जरा बाहर जा रही हूँ काम से, एक दो घंटे में वापस आ जाऊंगी। हाँ बिना 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 क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं एकदम से चक्कर से आ गए मुझे। अच्छा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो, क्या हो गया है? हर वक्त परेशान रहती हो, स्ट्रेस में रहती हो। चलो डॉक्टर को दिखाते हैं, आओ चलो मेरे साथ। अच्छा चलो। यहाँ क्या कर रहा है? देख तो सही मैं क्या लाई हूँ तेरे लिए, देख। ये क्या है खाला? खोल खोल खोल। हमें डंडे वाला बाबा, बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं ये डंडे वाले, तमीज से नाम ले। तुझे पता है दो डंडे मार के ना महानूर का जिन बाहर निकाल देंगे। हाँ और महानूर जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे यार खाला कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं क्या अपनी बीवी को डंडों से पिटवाऊंगा, कुछ तो सोच के बोला करें। अरे तावीज फाड़ दिया। अरे अरे भाई लो 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 लो, देखो तो बाबा का तावीज। देखो कमबख्त मारा जोरू का गुलाम और के फेंक दिया बाबा। तुम्हारी बेइज्जती हो गई ना। तो कौन यहाँ से? नहीं मैं क्यों जाऊँ ना, मेरे बाबा का तावीज माफ करना बाबा। दूसरा ले आएंगे चुपके से ना, उसको पहना देंगे। इधर आ। हाँ क्या सोचा है फिर तुमने? क्या मतलब? क्या मतलब क्या मतलब है भाई, अभी अभी जो खबर तुम डॉक्टर से सुनकर आ रही हो, उसे सुनने के बाद तुम इतने आराम से कैसे बैठ सकती हो? आप ठीक कह रही हैं, मैं इतनी आराम से क्यों बैठी हुई, मुझे तो खुशी से पागल हो जाना चाहिए, मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, आखिर को मैं हाँ बनने वाली हूँ ना अम्मी। तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? क्यों, क्या मैंने कोई गलत बात कर दी है? क्या तुम खुश हो इस बच्चे से? हाँ अम्मी,
मैं बहुत खुश हूँ, मेरी औलाद है। और दुनिया में वो ऐसी कौन सी औरत होगी जो माँ बनने की खबर सुनकर खुश ना होगी? खुशी तो तुम्हें तब होनी चाहिए थी ना जब इसका बाप तुम्हारे साथ होता। तुम हसन को छोड़कर आ चुकी हो, आज नहीं तो कल वो तुम्हें तलाक भेज देगा, फिर क्या करोगी? क्या सारी जिंदगी इस बच्चे की परवरिश करोगी? क्या अपना घर नहीं बसाओगी? सोच लो, तुम सोच लो कि तुम क्या बोल रही हो, क्या कर रही हो। अगर तुम्हें इसी तरह ही सारी जिंदगी गुजारनी थी तो फिर क्यों छोड़कर आई हो वो घर? क्यों छोड़कर आई हो? अगर वही सारी खुशियां तुम्हें चाहिए थी तो फिर क्यों छोड़ा तुमने हसन को? तो फिर वही रहती है ना तुम, वही रहकर इस बच्चे की परवरिश करती, इसे पालती महलों में राजा की तरह। फिर अपना महल क्यों छोड़कर आई तुम? क्यों अपना सुख चैन छोड़कर आई हो? अमन की खातिर? वो तो सारी जिंदगी सुकून में रहेगी और हम क्या करेंगे? थोड़े दिनों में ये पैसे खत्म हो जाएंगे और फिर उसके बाद फिर वही तुम्हारी नौकरी, मेहनत, भागदौड़, खुआरी, वही तुम्हारी जिम्मेदारी। और अब तो तुम ये कह रही हो कि तुम इस बच्चे की जिम्मेदारी भी उठाओगी। तो क्या सारी जिंदगी इसी तरह गुजारोगी? एक जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी तुम पर, सोच लो, अच्छी तरह से सोच लो कि क्या करना चाहती हो तुम। ये कौन सा तरीका है? दिमाग खराब हो गया खाला। बेटा, उसका दिमाग तो पहले ही खराब है, कोई नई बात करो। क्या हो गया आप लोगों को? मम्मी तो आपकी बेहतरी के लिए ही बोल रही थी और आप लोग उल्टा उन्हीं को सुना रहे हैं। हाँ ठीक ही तो है जो तब्बो कह रही है, बिल्कुल ठीक है। अरे बाबा को दिखाएंगे जब ही तो उसका जिन उतारेगा वो। मम्मी खुदा के लिए आप तो इन लोगों के साथ मत दे। भाई कितना परेशान है खाला की इन्हीं हरकतों की वजह से। आपको ये नजर नहीं आ रहा कि भाभी की वजह से पूरा घर डिस्टर्ब है? आपको तो बस उन्हीं की पड़ी थी। तुम बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। मम्मी को जाके अभी शिकायत लगाती हूँ। मम्मी, खाला को समझा लो। अगर मैंने अपनी ज़बान में समझाया ना उन्हें, तो अच्छा नहीं होगा। दिमाग खराब हो गया है। खुशी तो तुम्हें तब होनी चाहिए थी ना जब इसका बाप तुम्हारे साथ होता। तुम हसन को छोड़कर आ चुकी हो। अगर तुम्हें इसी तरह ही सारी जिंदगी गुजारनी थी तो फिर क्यों छोड़कर आई हो वो घर? क्यों छोड़कर आई हो? अगर वही सारी खुशियां तुम्हें चाहिए थी तो फिर क्यों छोड़ा तुमने हसन को? तो फिर वही रहती है ना तुम, वही रहकर इस बच्चे की परवरिश करती, इसे पालती महलों में राजा की तरह। फिर अपना महल क्यों छोड़कर आई तुम? क्यों अपना सुख चैन छोड़कर आई हो?
ये वीना फोन क्यों नहीं उठा रही? क्योंकि वीना वापस आ चुकी है। घर आ गई? कहाँ थी तुम? आपने ही तो कहा था कि डॉक्टर के पास चली जाना, तो बस वहीं गई थी। ओह यस 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 सर, आई फॉरगेट, आई एम सो सॉरी। अच्छा क्या कहा डॉक्टर ने? क्या हो गया? अरे क्या हो गया, सब खैरियत तो है ना? बैठो इधर। पार्टनर, हमारा छोटा पार्टनर आने वाला है। अच्छा तो ये खबर तुम रोके सुना रही हो? अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये तो पार्टनर खुशी के आंसू हैं। थैंक यू, सो हैप्पी फॉर यू। अल्लाह तेरा शुक्र।